फ्रेंड्स, आई एम शबनम, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ये लेके आई हूँ नी कैप। ये घुटनों के लिए है और ये सर्दी में पहनने के लिए मैंने वूल से बनाया है। और फ्रेंड्स, एक तो ये उन लोगों के लिए है जिनके घुटनों में दर्द रहता है, ख़ास करके ये बुज़ुर्ग लोगों के लिए कि उनके घुटनों में दर्द रहने लग जाता है और ठंड भी बहुत लगती है। और ये लेडी जेंट्स किसी के लिए भी आप बना सकते हो। और वैसे भी जिन लोगों को घुटनों पे ठंड ज़्यादा लगती है वो लोग भी इसे पहन सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम ये वूल यूज़ कर रहे हैं। ये नॉर्मल 4-ply वूल है और इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये 10 नंबर नीटिंग नीडल्स। तो चलिए बनाते हैं इसे। इस नी कैप को बनाने के लिए मैंने यहाँ से डाले हैं 74 स्टिचेस और 2x2 रिब का बॉर्डर बनाया है। देखिए, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, निट 2, पर्ल 2, ये बॉर्डर बनाया है। और अब ये मैंने जो बॉर्डर बनाया है ये देखिए, ये 4.5 इंचेस है यहाँ तक, और आप इसे 4 इंच भी बना सकते हो, 5 इंचेस अपने हिसाब से बना सकते हो। और अब ये 74 स्टिचेस को मैंने ये मार्कर लगा करके डिवाइड किया है। बीच में मैंने रखे हैं 10 स्टिचेस, 74 में से 10 माइनस करेंगे तो ये 64 का हाफ करेंगे तो 32 स्टिचेस इस साइड हैं, 32 इस साइड। तो अब 32 10 32, और ये हमारी राइट साइड है। राइट साइड से हम ये रो स्टार्ट करेंगे और ये फंदे जैसे हम बनाते आ रहे हैं, बॉर्डर के फंदे हैं तो ऐसे ही बनाएंगे। नीट 2, 2 फंदे सीधे, पर्ल 2, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, नीट 2, पर्ल 2, 2 फंदे उल्टे। तो इसी तरह हम 32 स्टिचेस बना लेंगे। देखिए, ये 32 स्टिचेज मैंने इस तरह से बना लिए। और अब ये मार्कर इधर शिफ्ट कर लेंगे और थ्रेड आगे लाएंगे। ये 10 स्टिचेस हम उल्टे बनाएंगे, पर्ल वाइज, पर्ल 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब मार्कर को यहीं से हम शिफ्ट कर लेंगे और ये टर्न करेंगे और मार्कर यहीं रहने देंगे। और अब हम यहाँ पर स्लिप 1, इसको स्लिप करेंगे और ये स्टिचेस उल्टे बनाएंगे मार्कर तक। 9 स्टिचेस हो गए, ये एक हमने स्लिप किया तो ये स्टिचेस हमने उल्टे बनाने, पर्ल 9। अब इस मार्कर को रिमूव करेंगे और इधर से हम 3 स्टिचेस बनाएंगे, 1, 2, 3, और मार्कर को यहीं पे लगा लेंगे। अब टर्न करेंगे, 3 स्टिचेस ऐड हो गए। अब देखिए हमारे पास 13 हो गए, 2, 4, 6, 8, 10 और ये 13 स्टिचेस हो गए, 3 हमने ऐड कर लिए। थ्रेड आगे लाएंगे और स्लिप 1 और ये 12 स्टिचेस हम उल्टे बनाएंगे। और अब इस मार्कर को भी रिमूव करेंगे और 3 स्टिचेस और उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, मार्कर को इधर लगा लेंगे। अब ये 3 स्टिचेज जो हैं 16 हो गए हमारे पास, 3 इधर से लिए, 3 इधर से बन ले लिए हमने और ये 16 स्टिचेज हो गए। अब ये थ्रेड आगे लाएंगे और स्लिप 1 और ये 15 स्टिचेज उल्टे बनाएंगे और फिर 3 स्टिचेज ऐड करेंगे। ये 15 स्टिचेज उल्टे बना लिए मैंने और अब हम इसको रिमूव करेंगे, 3 स्टिचेस और ऐड कर लेंगे, 1, 2, 3, इसको इधर लगाएंगे, टर्न करेंगे और
थ्रेड आगे लाएंगे, इसको स्लिप करेंगे और अब 16 और 3 ऐड हो गए, 19 स्टिचेस हो गए। अब स्लिप 1 और 18 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, 18 स्टिचेस ये वाले उल्टे बना के 3 और बनाएंगे, प्लस 3, 1, 2, 3, मार्कर लगाएंगे और टर्न करेंगे। अब हम इसी तरह बनाते जाएंगे। अब इधर से स्किप 1, स्लिप 1 करेंगे और ये सारे स्टिचेस उल्टे बना लेंगे। और अब हमारे ये 22 स्टिचेस हो गए थे, 1 हमने स्लिप किया और 21 स्टिचेस उल्टे बना लिए। और अब हमने इसको रिमूव करना है, प्लस 3 स्टिचेस हम और उल्टे बना लेंगे। तो इसी तरह फ्रेंड्स हम दोनों तरफ से, अब पहले तो हम जब ये स्टार्ट करेंगे रो तो एक फंदा स्लिप करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे तो भी स्लिप करेंगे और 3 फंदे इधर से ऐड करते जाएंगे, 3 फंदे इधर से ऐड करते जाएंगे और ये तब तक करते जाएंगे ये जब तक ये हमारे सारे स्टिचेस ओवर नहीं हो जाते। तो देखिए ये इस तरह से बनता जाएगा। तो ये मैं सारा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ, ये स्टिचेस जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे हमारे ओवर हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह 3 स्टिचेस दोनों तरफ से उल्टे करते हुए लास्ट में मेरे पास 2 स्टिचेस जाएंगे दोनों साइड, इधर भी 2 और इधर भी 2, क्योंकि हमारे पास यहाँ 32 स्टिचेस थे तो हमने 3 कम करते हुए 30 स्टिचेस दोनों साइड से 30 ओवर हो गए, मीन्स उल्टे स्टिचे हो गए। अब 2 रह गए हमारे पास दोनों तरफ। तो अब हम ये 2 स्टिचेस इस तरह से ऐड करेंगे, अब यहाँ तक मैंने बना लिया, अब ये 2 स्टिचेस रह गए और इसको मार्कर को रिमूव कर देंगे और ये 2 स्टिच भी बना लेंगे। अब हम ये रो उल्टी बनाएंगे, सारे स्टिचेस यहाँ से उल्टे हो गए हमारे, इधर 2 स्टिचेस रह गए। तो ये पूरी रो उल्टी मैं बना लेती हूँ, तो रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इस रो के एंड में हूँ तो यहाँ पर ये 2 स्टिचेस रह गए, ये मैं उल्टे बना लेती हूँ। तो ये पूरी रो हमने उल्टे स्टिचेस की बनाई है और अब हम इस मार्कर को रिमूव कर देंगे और ये 2 स्टिचेस भी उल्टे बना लेंगे। अब हमारे पास पूरे स्टिचेस उल्टे हो गए और अब हमारी ये रोज़ मैं आपको ये काउंट करके दिखाती हूँ स्ट्राइप्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये हमारी रॉन्ग साइड है। अब ये राइट साइड से काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 रोज़ बन गई। 11 रोज़ में हमने ये 3 ऐड करते गए और एक रो हमारी ये फर्स्ट रो थी। और अब ये हम दोनों तरफ से उल्टे उल्टे स्टिचेस की रोज़ बनाएंगे, उसमें हमने सारे फंदे उल्टे ही बनाने हैं, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये हम 7-8 रोज़ बना लेंगे दोनों तरफ से उल्टे उल्टे फंदे बनाते हुए, पर्ल ऑल द स्टिचेस सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो भी कंप्लीट कर लेंगे और 6, 7 या 8 रोज़ हम और बनाएंगे। तो ये मैं थोड़ा सा बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये मैंने 7 लाइंस उल्टी उल्टी दोनों तरफ से बना करके कंप्लीट कर ली हैं और अब हमारी 8th रो है। और देखिए इस तरह से ये घुटने की शेप भी आनी स्टार्ट हो गई है। और अब जैसे हमने यहाँ पर 10 स्टिचेज बीच में रखे थे और 3 स्टिचेज दोनों तरफ से हम उल्टे करते गए थे, 10 स्टिचेज में ऐड करते गए थे और लास्ट में हमने 2 स्टिचेज लिए थे। अब हमने सेम ऐसे ही करना है। अब हमने यहाँ से छोड़ते जाना है और बीच में 10 स्टिचेस हमने उल्टे रखने हैं और यहाँ से हम छोड़ते जाएंगे, उल्टी तरफ से स्टार्ट करेंगे जैसे इस इंक्रीजिंग का हमने एंड किया था। तो ये हमारी 8th रो है और 8th रो के एंड में जैसे हमने लास्ट में पहले 2 ऐड किए थे, अब हम ये 2 छोड़ेंगे, ये 2
टू रास्ट में रह गए, अब ये टर्न कर लेंगे, अब ये हमारी नाइन्थ रो है और इसको स्किप करेंगे और ये उल्टे स्टिचेस बनाएंगे। ये टोटल हमारे पास 74 है, ये टू छोड़ दिए 72 रह गए, टू इधर छोड़ेंगे तो 70 स्टिचेस हम उल्टे बना लेंगे। तो ये 70 स्टिचेस बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये उल्टे उल्टे बनाते जाएंगे पर्ल 70। ये नाइन्थ रो के हम एंड में हैं तो यहाँ पर ये टू स्टिचेज रह गए, टू स्टिचेज रहने पर हम टर्न करेंगे। ये 70 स्टिचेस हमने उल्टे बनाए हैं जिसमें से वन हमने फर्स्ट स्लिप किया था और 69 उल्टे बनाए थे। अब इसे टर्न करेंगे, टेंथ रो बनाएंगे और टेंथ रो में देखिए फर्स्ट स्किप करेंगे और ये स्टिचेस उल्टे बनाएंगे। ये हमारे पास अब 70 स्टिचेस थे तो इधर 3 हम और रखेंगे तो अब हमने 67 बनाने हैं। 67 में से 1 हमने स्लिप किया और बाकी स्टिचेस जो हैं वो हम उल्टे बना लेंगे। अब देखिए ये 3 स्टिचेस रह गए और अब हम यहीं से टर्न करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप चाहो तो यहाँ मार्कर भी लगाते जाइए और वैसे हमें वैसे ही पता लग जाता, देखिए कि यहाँ सक हमने पहले बनाया था। और अब हम ये हमारे पास फर्स्ट स्टिच जो है वो स्लिप करेंगे और ये स्टिचेस उल्टे बना लेंगे। 70 में से अब हमने 3 छोड़ दिए तो हमारे पास 67 स्टिचेस है। अब 67 में से 3 हम इस साइड छोड़ेंगे। ये हमारी 11th रो है और ये मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। अब देखिए इस रो के एंड में आएगी हम, पहले हमने 2 छोड़े थे, हमने 3 छोड़ने हैं, एक और बना लेंगे। अब ये 3 स्टिचेस यहीं से हम टर्न करेंगे और नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे स्लिप 1 और ये स्टिचेस उल्टे बना लेंगे। और इसी तरह हम ये सारे स्टिचेस उल्टे बनाएंगे और उसके बाद यहाँ तक हमने छोड़ा था, देखिए ये पता चल रहा है हमने यहाँ तक छोड़ा था। अब ये वाले 3 छोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, फिर इधर 3 छोड़ेंगे। तो इसी तरह करते हुए लास्ट में जब हमारे पास 10 उल्टे स्टिचेस रह जाएंगे तब तक हम ये बनाते जाएंगे। तो मैं ये इतना बना करके फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करेंगे। देखिए ये इस तरह से हम 3 छोड़ते गए दोनों तरफ से और अब हम यहाँ पर 3 छोड़ेंगे तो इसके बाद हमारे पास स्टिचे रह गए 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 13 स्टिचे रह गए। अब हम यहाँ पर टर्न करेंगे, 1 स्लिप करेंगे और ये स्टिचेस हम उल्टे बनाएंगे। लास्ट में हम 3 छोड़ेंगे तो ये 9 स्टिचेस हमारे उल्टे बनेंगे, पर्ल 9। 1 हमने स्लिप किया, 2, 4, 6, 8 और 9 हमने उल्टे बनाए, ये 3 रह गए। अब हम ये टर्न कर लेंगे और अब हमारे पास ये 10 स्टिचेस रह गए। जैसे हमने स्टार्टिंग की थी वैसे ही हमारे पास अब 10 स्टिचेस हैं और अब हम इसे स्किप करेंगे, स्लिप कर लेंगे और ये स्टिचेस उल्टे बनाएंगे। और अब हम पूरी रो उल्टी बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस, ये स्टिच उल्टे बना लिए और ये सारे भी हम उल्टे स्टिचेस ही बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये रो मैं बना लेती हूँ, ये रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब हमारे पास इस तरह से ये रो है और अब हम 1 रो और बनाएंगे उल्टे स्टिचेस की। ये हमारी रॉन्ग साइड है प्रोजेक्ट के, तो ये पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये रो मैं बना लेती हूँ और फ्रेंड देखिए ये इस तरह से घुटने की शेप बन चुकी है। और अब देखिए हमारी ये रो तो कंप्लीट होगी। अब हमने सेम बॉर्डर इतना ही इसके ऊपर बनाना है। यहाँ से जैसे हमने बॉर्डर स्टार्ट किया था सेम ऐसे करेंगे, फर्स्ट 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, निट 2, पर्ल 2। यही हम रिपीट करते हुए रो कंप्लीट करेंगे।
नेट टू, पर्ल टू और फिर लास्ट में हमारे पास टू फंदे सीधे आएंगे। और जब हम रॉन्ग साइड से बनाएंगे तो पहले दो फंदे उल्टे आएंगे, फिर दो फंदे सीधे आएंगे। तो इसी तरह हम इसके इक्वल ही ये बॉर्डर बना लेंगे। तो ये मैं बॉर्डर बना करके कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये बॉर्डर भी मैंने इसकी इक्वल ही बनाया है और आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अब हम इसे बाइंड ऑफ करेंगे, हमने इतना ही बनाना था। तो बाइंड ऑफ आप कैसे भी कर सकते हो, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, नीट वन पर्ल वन, फर्स्ट स्टिच को सेकेंड के ऊपर से पास ओवर करेंगे, नीट वन एक फंदा सीधा, फर्स्ट स्टिच पास ओवर, थ्रेड आगे लाएंगे, फंदा उल्टा बनाएंगे और इसको इसके ऊपर से पास ओवर करेंगे, फिर सीधा फंदा बनाएंगे, एक बार उल्टा फंदा बनेगा एक बार सीधा फंदा बनेगा। अब थ्रेड पीछे है, थ्रेड आगे लाएंगे तो उल्टा फंदा बनाएंगे और इसको इसके ऊपर से पास ओवर करेंगे, थ्रेड पीछे लेके जाएंगे, सीधा फंदा बनाएंगे और इसके ऊपर से इस तरह से पास ओवर करेंगे और ये इस तरह से हमारा बाइंड ऑफ होता जाएगा। तो इसी तरह हम सारे स्टिचेस बाइंड ऑफ कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये बाइंड ऑफ हो रहा है और अब हम ये कर रहे हैं बाइंड ऑफ और थ्रेड आगे लाएंगे, इसको उल्टा बना करके स्टिच को फर्स्ट स्टिच को सेकंड के ऊपर से पास ओवर करेंगे, अब सीधा फंदा बना करके इस तरह से पास ओवर कर देंगे और अब हम उल्टा बनाएंगे, फर्स्ट स्टिच को सेकंड के ऊपर से पास ओवर करेंगे। अब हमारी बाइंडिंग कंप्लीट होगी, अब हमारी जाएगी स्टिचिंग। ये थ्रेड इस तरह से करके कट कर देंगे और अब हम इसको यहाँ से लेकर के यहाँ से इस तरह से ये सारी सिलाई कर देंगे। तो ये बन करके रेडी हो जाएगा और इसे मैं सिल करके फिर आपको दिखाती हूँ। इसकी सिलाई देखिए मैंने कर ली है और ये सिलाई करते हुए ये बिल्कुल सेम हमारा इस पैटर्न की तरह ही बन गया। पता नहीं चलता कि सिलाई हमने कहाँ पर की है और ये भी हमने लाइन से लाइन मिला दी है और ये बन करके रेडी हो गया। और इसी तरह हम इसका दूसरा जो साइड है, दूसरा पीस है, वो भी रेडी कर लेंगे। और ये मैंने बना लिया है दोनों साइड्स और ये बहुत जल्दी बन करके रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स। और बनाने में बहुत इजी है और बनाइए आप भी इसे। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।